इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिलाई मशीन में बार बार धागा और सुइया क्यों तोड़ देता है। चलिए वीडियो को एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सूरज वर्मा, आप देख रहे हैं सूरज सेविंग मशीन। चलिए बिना टाइम पास किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग को चापा को ओपन कर लेना है, उसके बाद चांद प्लेट को भी ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाला फेस प्लेट को भी आप लोग को ओपन कर लेना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार से बनाया जाता है सिलाई मशीन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक आप लोग को पिन जैसा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं एक नट रहता है, इसे मैं ओपन करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग को इसे ओपन करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीडल रेड है जो एकदम बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसे मैं टाइमिंग मिलाना है, सबसे पहले नीडल को सेट कर लेना है। नीडल को सेट करने के बाद नीचे में आप लोग को हाथ रख के नीडल उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और हम इसको बीच बीच में रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, उसके बाद इस रड को एकदम बिल्कुल सीधा करके रखना है, उसके बाद इसे सेट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं पिक्चर से आप लोग को सेट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ फटाफट। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है मैं कमेंट करके बताया, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आप लोग को सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको इससे पूरा फुल टाइट कर देना है, क्योंकि ये ढीला जाएगा दोस्तों, तो इसी से आप लोग पर धागा भी दे सकता है और सुइया भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये रेड को आप लोगों को मिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हल्का सा फर्क रहना है। यहाँ पर देख लेना है कि कहूँ बज तो नहीं रहा है, कहूँ तो फंस तो नहीं रहा है, इससे भी आप लोग का सुइया सिलाई मशीन का सुइया तोड़ सकता है। उसके बाद इसे चला के देख लेना है, कम से कम 10-15 बार किए ठीक तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग को चांद प्लेट को सेट करना होता है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं चांद प्लेट को सेट कर लेना होता है। चलिए मैं फटाफट चांद प्लेट को और चापा को सेट करके आप लोग को दिखा देता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है और मिलते रहेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है हमें कमेंट करके बताएं, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है हमें कमेंट करके बताएं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप लोग एकदम नीडल बीचे बीच में जा रहा है या नहीं, यहां पर देख सकते हैं आप लोग को एक सुराख मिल जाता है देखने के लिए, एकदम इसके बीचे बीच में नीडल को जाना होता है। इसे भी 2-3 सेकेंड तक इसे चला के देख लेना है कि कहूँ तो फंस तो नहीं रहा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कहूँ तो फंस रहा। उसके बाद मैं चापा सेट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद चापा सेट करने के बाद इसे पूरा फुल टाइट कर देना होता है। पूरा फुल टाइट करने के बाद इसे चला के कुछ देर तक देख लेना कि कहाँ पर भी आप लोग का सिलाई मशीन फर्स्ट तो नहीं रहा है। सिलाई मशीन का जो नीडल रहता है वो आपको कहूँ देखना कि कहूँ फर्स्ट तो नहीं रहा है, और इसमें पूरा सिलाई मशीन में आप बढ़िया से तेल छोड़ दें। तेल वाला वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पर मैं दे दूंगा, जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को सिलाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलाई कितना सॉलिड लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो